वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है डिलनिप 10 टैबलेट। और गाइस, इसका यूज़ हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए तो होता ही है, लेकिन खासकर उन पेशेंटों में ज़्यादा होता है जिन्हें किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़ या ब्लड शुगर की दिक्कत साथ में होती है। और गाइस, आज के टाइम में डॉक्टर इस टैबलेट को लिखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि देखा जाता है जो दूसरी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, जब पेशेंट उन टैबलेट्स का यूज़ करता है तब उनके पैरों में, हाथों में या फेस पर इन्फ्लामेशन आ जाती है, मतलब एक टाइप की सूजन होती है जिसे मेडिकल लाइन में एडिमा बोलते हैं। तो गाइस, इस टैबलेट से जो ये साइड इफ़ेक्ट है ये बहुत ही कम देखा जाता है। और जापान जैसी कंट्री जहाँ पर हाइपरटेंसिव पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इस टैबलेट के कॉम्पोजिशन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में इसी टैबलेट के बारे में फुल्ली डिटेल में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको इस टैबलेट की कंपनी के बारे में बताऊँगा, फिर इसकी प्राइस रेट के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको इसके कॉम्पोजिशन का बताऊंगा, इसका कॉम्पोजिशन कैसे बीमारी को हील करने में मदद करता है और कैसे बॉडी में वर्क करता है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, फिर उसके बाद बात करेंगे कि आपने इस टैबलेट का यूज़ कैसे करना है और इसकी सही डोज कितनी होनी चाहिए, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है डिलनिप 10 टैबलेट। तो चलिए अब इसके कॉम्पोजिशन की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सिलनीडिपिन मिलता है 10 mg इसमें, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हैं, ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन सिलनीडिपिन IP 10 mg। और अब इसके कंपनी की बात करें तो इसे लुपिन लिमिटेड बनाती है, और काफ़ी फेमस कंपनी गाइस ये इंडिया में। वहीं अगर इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेड मार्किंग मिलती है, मतलब यह टैबलेट आपको ओनली प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है। और वहीं अगर इसके प्राइस रेट की बात करें तो गाइस, ये टैबलेट आपको 94 rupees की मिलती है। वहीं अगर इसके सबसे सस्ते सब्स्टिट्यूट की बात करें तो CUDP आपको 21 rupees मिलता है। 10 टैबलेट्स मिलती हैं गाइस। तो चलिए अब इसके बात करते हैं काम कैसे करता है शरीर में। तो गाइस, जो सिलनीडिपिन है 4th generation का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। हमारे शरीर में कैल्शियम चैनल्स 3 तरह के होते हैं, पी टाइप, एन टाइप और एल टाइप। और गाइस, जो कैल्शियम चैनल्स हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे न्यूरो ट्रांसमिशन, सेल साइकिल, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक एक्शन, पोटेंशन और प्रोटीन मॉड्यूलेशन में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। जो सिलनीडिपिन है गाइस, इसे जॉइंटली डेवलप किया गया था फ्यूजी विसरा फार्मास्यूटिकल कंपनी जापान और एंजिनोमोटो जापान ने इसे जॉइंटली डेवलप किया था, और 1995 में इसे अप्रूव्ड करा दिया। और जो गाइस ये सिलनीडिपिन है, ये एल टाइप के जो कैल्शियम चैनल्स हैं जो कि ब्लड वेसल्स में मिलते हैं, उनमें कैल्शियम के आने को बंद कर देते हैं, जिससे जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर आपको आसान शब्दों में बोलूं तो ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देती है, उन्हें डायलेट कर देती है, जिससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में मदद मिलती है। सिलनीडिपिन एन टाइप के जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्व के एंड में मिलते हैं, उन पर भी काम करती है। ये नोरएपिनेफ्रिन के फैलने पर उन्हें रोक देती है, जिससे जब आप तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उस समय जो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उसको मैनेज करने में काफ़ी ये यूज़फुल होता है। इस प्रकार गाइस, हाई ब्लड प्रेशर को ये ट्रीट तो करती है, साथ में जो चेस्ट पेन जिसे एंजाइना बोलते हैं और अदर कंडीशन जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है उसको भी ये ट्रीट करने में काफ़ी यूज़फुल होती है। तो गाइस, इस प्रकार अगर पूरा निचोड़ बताऊँ तो ये फ्यूचर में आने वाले जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर देती है। और गाइस, ये जो 4th generation का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है काफ़ी यूज़फुल इसी कारणों की वजह से है। तो आगे बात करते हैं इस टैबलेट को आपने कैसे लेना है। तो गाइस, इस टैबलेट को आप पानी के साथ खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो आगे बात करते हैं इसकी डोसेस की। तो गाइस, नॉर्मली इस टैबलेट को दिन में एक बार लिया जाता है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप इस टैबलेट को दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दिन में एक बार ले रहे हैं तो रात के टाइम लेने पर इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देखा गया है।
तो आगे बात करते हैं इस टैबलेट से होने वाले कुछ प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स जो कि बहुत ही रेयर हैं। वैसे तो इस टैबलेट से साइड इफ़ेक्ट होते नहीं हैं, लेकिन बहुत ही कम देखे गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। इस टैबलेट को लेने से डिजीनेस मतलब चक्कर आ सकते हैं और जो कि टाइम के साथ कम होते जाते हैं। दूसरा है, इस टैबलेट को लेने के बाद सिर में दर्द हेडेक होता है जो कि टाइम के साथ वो भी कम हो जाता है। चूँकि ये टैबलेट हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करती है, इसलिए इसका तीसरा साइड इफ़ेक्ट हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाना है। ओके गाइस, तो आगे हम देखते हैं इस टैबलेट को ये कैसी दिखती है। तो गाइस ये देखिए, ये आपको कुछ इस प्रकार मिलती है वाइट कलर की। और गाइस, इस टैबलेट से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मुझे खुशी होगी आपके कमेंट्स का आंसर देके, और मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ, उनका आंसर भी देता हूँ रेगुलरली। तो गाइस, आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको इस टैबलेट का रिज़ल्ट कैसा लगा और आप इसे कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं। ओके गाइस, तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी ये थी डिनलिप्टन टैबलेट के ऊपर। आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो गाइस, ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।